हेलो एंड वेलकम टू आरएलआरएक्स नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल के अंदर डबल वी लुकअप क्या होता है और डबल वी लुकअप का हम यूज कैसे करते हैं। जी हां, एक्सेल के अंदर डबल वी लुकअप उन खूबसूरत फॉर्मूलाज में से होता है जिसे बीपीओ यानी कि कॉल सेंटर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यानी कि अगर आप एक एमआईएस एक्सपर्ट हैं या फिर अगर आप एक टीम लीडर हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से होगा जिसे आपके लिए प्रिपेयर करना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक होता है। और ये डबल वी लुकअप होता क्या है, इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी यहां पर लगाया हुआ है, मैं आपको सिखाता हूं कि ये डबल वी लुकअप कैसे काम करता है। जैसे मैंने यहां पर एम्प्लॉइज की आईडी लिखी हुई है और ये आईडीज है मेरी पहली वाली टेबल के अंदर। अब मुझे क्या करना है, इस आईडी के बेस पर इस दूसरी वाली टेबल के अंदर से सैलरी अगर निकालनी है तो मैं कैसे यूज करूंगा, इसको बोलते हैं डबल वी लुकअप। यानी कि आपकी जो कंडीशन होती है वो आपकी कहीं दूसरी टेबल में होती है और आपकी जो आंसर्स वाली कंडीशंस होती है वो आपकी कहीं तीसरी टेबल में होती है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, डबल वी लुकअप यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैं यहां पर कोई भी एम्प्लॉई आईडी सिलेक्ट करूंगा तो उसके बेस पर यहां पर क्या होगा कि सैलरी जो होगी वो दूसरी टेबल के अंदर से ऑटोमेटिक उठकर आ जाएगी। तो चलिए सिखाता हूं मैं आपको कि डबल वी लुकअप कैसे यूज करते हैं। उसके लिए टाइप करूंगा इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप टाइप करते ही मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपनी इस कंडीशन के बेस पर मुझे यहां से इस टेबल के अंदर से नाम लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो आईडी है वो पहले कॉलम में है और जो सैलरी है वो दूसरे कॉलम में है और मुझे अपनी आईडी के बेस पर अपनी दूसरी टेबल से सैलरी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो है नेम वाला कॉलम। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपनी पहली वाली टेबल के अंदर से आईडी के बेस पर नेम को लुकअप कर लूंगा। जैसे मैंने यहां से सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू के अंदर आईडी और अपनी टेबल को सिलेक्ट कर दिया। यहीं पर मैं इसको लॉक कर देता हूं ताकि जब मैं अगर कभी इन फ्यूचर फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करूं तो ये मेरी सेल की जो पोजीशन है वो चेंज ना हो, ये एज इट इज रहे। उसके बाद कॉमा, अब मुझे क्या करना है कि इस टेबल के अंदर आईडी के बेस पर नाम चाहिए, तो मेरा जो टेबल है वो है तीन कॉलम में और जो मेरा कॉलम नंबर टू है उसके अंदर नाम लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर टाइप कर दूंगा टू। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं जीरो यूज करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो मैं कोई भी अगर यहां से आईडी सिलेक्ट करूंगा तो इन आईडी के बेस पर क्या होगा कि नाम पुल होकर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है इसी के अंदर कि जब यहां पर नाम आ जाए, जो यहां पर नाम आए वो इस टेबल के अंदर से वी लुकअप क्या करे, सैलरी को उठा जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर अपने फॉर्मूला को एडिट करूंगा और एडिट करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक और बार वी लुकअप लगाऊंगा। अब मैंने लुकअप वैल्यू के अंदर क्या किया कि अपनी इस पूरे वाले पहले वाले वी लुकअप को डाल दिया। यानी कि अब क्या करेगा, जब ये बाहर वाला वी लुकअप एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले अपने अंदर वाले वी लुकअप को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद सबसे पहले उस नाम को फाइंड आउट करेगा और मेरे इस सेल के अंदर ला देगा। और जैसे ही नाम आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसको लुकअप कंडीशन के अंदर डालकर अपनी इस टेबल के अंदर से मैं सैलरी को उठा लूंगा, कॉमा करूंगा। अब चूंकि मेरे इस टेबल के अंदर चार कॉलम है, एक दो तीन चार, जिसमें से तीसरे कॉलम के अंदर मेरी सैलरी लिखी हुई है, तो मैं टाइप करूंगा 3,0। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देख रहे हैं आप, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले मेरा अंदर वाला जो इंटरनल वी लुकअप है वो क्या करेगा कि इस टेबल के अंदर जाएगा और जो भी मैं यहां पर आईडी सिलेक्ट करूंगा यहां पर उसके बेस पर इस टेबल के अंदर से मेरे नाम को लेकर आएगा। और दूसरा वाला जो आउटर वी लुकअप है वो क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इस नाम के अंदर वो नाम कहां पर एग्जीक्यूट कर रहा है इस टेबल के अंदर, और उस टेबल के अंदर उसके सामने वाले सैलरी को एज इट इज मेरे लिए ला कर दे देगा, लुकअप कर लेगा। अब मैं यहां से कोई भी एम्प्लॉई आईडी सिलेक्ट करूंगा तो उसकी सैलरी उठकर आ जाएगी। जैसे यहां पर एम्प्लॉई आईडी है 106, नाम है धर्मिंदर, तो यहां पर चेक करते हैं कि धर्मिंदर की सैलरी है 29166 एज इट इज। मैं और भी चेंज करके दिखाता हूं आपको, मैं 109 करता हूं एंड नाउ 109 का जो नाम है वो है निखिल और निखिल की सैलरी है 20128। देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डबल वैल्यू का आपका मल्टीपल टेबल्स के अंदर से डबल कंडीशन के बेस पर आंसर लेकर आता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा कि डबल वैल्यू का कैसे यूज करते हैं। और अगर आपको ये पसंद आ गया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई
क्वेरी होती है इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे चैनल की किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी एक MIS एक्सपर्ट बन सके। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।